बरगाड़ी बेअदबी मामले विच पेश कीती पहली चार्जशीट विच डेरा सच्चा सौदा मुखी गुरमीत राम रहीम दा नाम नहीं। इस नूं लैके पंथक हलकियां विच सवाल उठन लगे हन कि उस नूं वोटां दी खातर सियासतदानां वल्लों बचाया जा रहा है। कुछ अजिहे ही सवाल जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने भी चुके हैं। अकाल तख्त साहिब दे जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने पत्रकार सम्मेलन विच दोष लाया कि सौदा साहब दा नाम FIR विचों सरकार ने कट दिता है तां जो 2022 दीआं विधानसभा चोणां विच डेरेदारां दीआं वोटां लईआं जा सकण। इस संबंधी जथेदार ने सिख संगठनां नूं ताना मारदिआं कहा कि छोटे मोटे मसलियां ते उह धरने ला दिंदे हन पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब दी बेअदबियां ते उह दड़ वट गए हन। जथेदार ने सरकार दी इस कारवाई विरुद्ध समूह पंथक संगठनां दे पंथ दर्दियां नूं हुकमराना विरुद्ध आवाज़ बुलंद करन लई जोर दिता है। हाँ, असीं हमेशा ही ये कह रहे हैं कि जिहड़े बेअदबी करन वाले दोषी है उन्हां नूं सख्त तो सख्त सजावां दित्तियां जाण। जे साडे मौजूदा कानून जिहड़े है उह सख्त सजावां नहीं दिंदे ते कानूनां दे विच तब्दीली कीती जाए, कानून ऐसे बनाए जाण। UAPA बनाता, नासा बनाता, साका बनाता, यह जे कानून बनाए जाते हैं तो गुरु ग्रंथ साहब के जिहड़े बेअदबी के जिहड़े दोषी है उन्होंने सजावां देने वास्ते जिहड़ी है सरकार यतन क्यों नहीं करती। लगातार पंथक हलकियां विच इस नूं लै के सवाल उठ रहे हन। श्रोमणी अकाली दल अमृतसर दे प्रधान सरदार सिमरनजीत सिंह मान ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब दीआं बेअदबियां दे केसां विचों मुख साजिशकार डेरा सिरसा मुखी गुरमीत राम रहीम नूं फरीदकोट अदालत वल्लों केस विचों कढ देण उत्ते तिखा प्रतिक्रम जाहर करदे होए कहा कि सिख कौम नाल 1984 दी तरह ही होर वड्डा जुल्म कीता जा रहा है। उन्हां कहा कि सौदा साहिब जो इस समें जेल विच नज़रबंद है अते जुलाई 2020 दी DDR राही दोषी नामजद कीता गया है, जिस नूं पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट दे जस्टिस राजन गुप्ता ने भी उपरोक्त दुखदाई घटना नाल संबंधित करार दिता है, उस मुख दोषी ते साजिशकर्ता बारे अजिही बेइंसाफी वाले किसी भी फैसले नूं सिख कौम बर्दाश्त नहीं करेगी। सरदार मान ने इस मकसद लई अदालतां ते हुकमराना उत्ते निशाना साधदे होए कहा कि जिन्हां वड्डे दोषियां नूं संसार दा हर सिख अते दूजियां कौमां भलीभांत जाण चुकियां हन, उस नूं केस विचों बाहर कढ देण दी गैर कानूनी कारवाई आउण वाले समें विच हरियाणा, पंजाब अते होर कई सूबिआं दीआं असैंबली चोणां दे मद्देनजर कीती जा रही है। उन्हां ने वड्डे सवाल चुके हन। तां अकाल तख्त साहिब दे जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह वल्लों बरगाड़ी मामले च डेरा सिरसा दे मुखी गुरमीत राम रहीम दा नां कढ़न दे उठाए गए मुद्दे नूं लै के इस मामले दी जांच कर रही SIT दे मुखी IGSPS परमार अते AIG राजेंद्र सिंह सोहल ने स्पष्ट कीता है कि उक्त मामले विच किसी भी दोषी दा नाम कढ़े जाण दा सवाल ही पैदा नहीं हुंदा, चाहे वह कोई भी होवे। उन्हां कहा कि जांच हले जारी है अते इस केस विच सिट वल्लों हाल दी कड़ी पहला चलान सिर्फ 6 मुलजमां जिन्हां नूं गिरफ्तार कीता जा चुका है उन्हां विरुद्ध ही दायर कीता गया है। उन्हां कहा कि इस केस विच मुख मुलजम 3 डेरा प्रेमी क्रमवार संदीप बरेटा, हर्ष सतूरी अते प्रदीप कलेर अजे भी भगौड़े हन, जिन्हां दी गिरफ्तारी तों बाद इह पुछ पड़ताल कीती जावेगी कि उन्हां ने जुल्म विच किस दे इशारे अते किस दी मिली भुगत नाल कीता है। फिलहाल सौदा साध नूं इस केस विचों बाहर कढ़े जाण दी सारियां खबरां दा उन्होंने खंडन किया है। साडे YouTube चैनल नूं सबसक्राइब करो।